नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप नरमे की ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। दोस्तों ऐसा है कि नरमे की ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमें कई जतन करने पड़ते हैं, कई दवाएं छिड़काव करनी पड़ती है, बट उसके बजाय अगर आप ये देसी तरीका अपनाएंगे तो आपको काफी अच्छी पैदावार मिल पाएगी। दोस्तों ये वीडियो आप नरमा बीजने से पहले ही देखें तो काफी बढ़िया बात है। भाई दोस्तों ऐसा है कि अगर आप नरमे की जब बिजाई करते हो उससे पहले अगर आप खेत में गोबर खाद डालते तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। क्यों होता है वो बता दे दो छोटी सी बात में। दोस्तों हमारे खेत में जब हम नरमे में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है फाड़ गिरने की। वो कहाँ आती है? जब हम पानी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। भाई नहर में पानी अगर 2 दिन लेट है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दिन लेट ही लगेगा। अगर उसी की जगह हमारे खेत में गोबर खाद डाली हुई तो वो क्या पौधे में पूरी नमी बनाई रखती है, वो फाड़ को गिरने नहीं देती, एकदम से सोखा नहीं आने देती नरमे के अंदर। जब नरमे के अंदर एक अचानक सोखा आ जाए उसके ऊपर पानी लगाते हैं तो वो फाड़ गिर देती है, बट उसके बजाय अगर हमारे खेत में गोबर खाद डाली हुई है तो उसके जो नमी को बनाए रखेगी, 2-4 दिन पानी लेट भी हो गया तब भी पौधे को सूखने नहीं देगी। और दोस्तों एक बात और बता दो, गोबर खाद कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती, ये सभी को पता है, बट दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत का ज़्यादा करनी पड़ती है कि भी आपको गोबर खाद खरीदनी पड़ती है, वहाँ से डलवानी, लोडर से डलवानी, ट्राली भरकर लानी, खेत में डालनी, उसको खेत में खिंडानी मतलब फैलानी, मतलब इस काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो वो लोग थोड़ा सा इसी कारण से वो कहते हैं भाई हम तो DAP डाल देंगे, 1200 रुपये का गट्टा आता है, भी DAP डालकर हम पैदावार लें, पर DAP में इतना फ़ायदा नहीं मिलता कि जितना कि आपको गोबर खाद मिलता है। तो यही कुछ बताना चाहता है, गोबर खाद डाली आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी नरमे की। ये वीडियो मैं नरमे की बिजाई से पहले ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों किसान भाई इस बात को समझिए कि अगर आप गोबर खाद डालते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा नमी बनी रहती है खेत में, जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिल पाएगी। अगर आपको नरमे के संबंध में और भी कोई क्वेश्चन हो, बाकी मैंने नरमे के संबंध काफ़ी सारी वीडियोस बना भी चुका हूँ और बनाता भी रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।